हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने पहाड़ों में। अभी आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम देहरादून में हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी ठंड है। अभी कुछ खरीदते हैं, खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है, बहुत देर हो गई चले हुए। और बस आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, कपड़े वगैरह लिए, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम कुछ लेके नहीं आए थे। अभी हल्दीराम में खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। अभी खाना वाना खा के चलते हैं एक और जगह, थोड़ी शॉपिंग और करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं खाना खाकर। तो हमने खाना वाना खा लिया है और हमने शॉपिंग भी कर ली है अपनी। अभी थोड़ी एक दो ड्रेस और लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं ऊपर के लिए। दिखाते हैं हम आपको कहाँ कहाँ जाएंगे। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। बस निकलते हैं हम लोग अभी। और अभी हम देहरादून में हैं, अभी देहरादून से निकले ही हैं, मतलब शाम हो गई है। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बहुत अच्छा गाइस। इस टाइम पहाड़ों में जाने में ज़्यादा मज़ा है, मतलब ना ज़्यादा पहाड़ में गर्मी तो होती नहीं है वैसे, लेकिन जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है ना, इस टाइम बिल्कुल बढ़िया मौसम रहता है, ठंडा, वहाँ पे ठंड लगती है। अभी रुके हैं हम लोग, हमारी गाड़ी में पंचर हो गया है, अभी पंचर ठीक कराते हैं फिर निकलते हैं। इतने भेलपूरी खाते हैं, आप लोग भी खाओ भेलपूरी हमारे साथ में, रात हो गई है। और अभी हमें 7-8 घंटे और लगेंगे ऊपर जाने में। हम सुबह से कंटिन्यू बैठे हुए ड्राइव कर रहे हैं, थक गए, सब लोगों की हालत बेकार हो रखी है। तो हम लोग आ गए जूडियो, यहाँ से थोड़े से कपड़े ख़रीदते हैं और निकलते हैं फिर अपनी मंजिल के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखें हम कहाँ जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बोलनी है, जब भी आप लोग पहाड़ों में जाओ ना, तो प्लीज़ बी सेफ़। यहाँ के रास्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं, और किसी ऐसे कोई गाड़ी चलाने के लिए बोलना जो परफेक्ट हो बिल्कुल। इतनी हाइट पर जाने के बाद थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा ना, तो वही है आपका काम ख़राब। तो गाइस हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, और ये जो डॉग है ना, मेरे घर में एक बिल्ला है बिल्कुल ब्लैक कलर का, ये बिल्कुल मेरे को मेरी टोबी की याद दिला रहा था। जब मैं इसके पास गई ना, मेरे को लगा टोबी बिल्कुल इसकी सेम, इसकी शक्ल उसके जैसी ही है। अभी मैं घर जाके इसकी शक्ल मम्मी को दिखाऊंगी ना, तो बोलेगी ये तो टोबी है, ओ माय गॉड। तो गाइस दिखाती हूँ मैं, यहाँ रात में कितना अच्छा व्यू आता है, वो देखो पीछे से। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? इतनी ऊंची हाइट पे है ना, मगर आपने यहाँ से जंप कर लिया ना नीचे, तो आपकी हड्डी भी नहीं मिलेगी। वैसे रात में कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे। कैमरे से अलग अगर आप लाइव देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे, रात में कैमरे में इतना नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन सामने से बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना ऊपर आकर। तो बस अपनी चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं फिर, वरना और ज़्यादा रात हो जाएगी। तो चाय आ गई है गाइस, अभी हम चाय वाय पीते और निकल चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि फिर रास्ते बंद हो जाएंगे, तो हमें जल्दी जल्दी 8 बजे से पहले किसी भी तरह ऊपर पहुंचना है। अगर हम नहीं पहुंच पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी गाड़ी में ही सो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो गाड़ी में ही सो जाएंगे भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और हमें रात में कोई रूम नहीं मिला, तो हम गाड़ी में ही सो रहे थे। और सुबह उठ के इतना सुंदर नज़ारा हमारी आँखों के सामने, मतलब इतना सुंदर, जिससे आंखों को ठंडक मिल रही है देख के, इतना सुंदर। साइड में झील है, नदी है, सामने पहाड़, मतलब अलग ही फीलिंग आती है पहाड़ों में जाके। और अभी हम लोग हैं उत्तरकाशी, हम लोग उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। सुबह 8 बजे से चलकर अगले दिन 8 बजे हम उत्तरकाशी पहुंचे हैं अभी तक। पहाड़ों पे ना, आप अगर दिखा रहा है ना आपको 20 किलोमीटर दूर है कोई आपकी डेस्टिनेशन, तो आप समझ जाओ आपके 8 घंटे तो गए वो 20 किलोमीटर के लिए, क्योंकि गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा रिस्की है यहाँ पर, और ऊपर जाने के लिए वही बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी ध्यान में रखें, ज़रा सा भी बैलेंस आपका ख़राब हुआ ना, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है।
तो बी सेफ यहाँ आने के लिए। रास्ते देख रहे हो कितने छोटे छोटे, ये लेंस राइडिंग हो रखी है साइड में, मतलब डर भी लगता है चलते हुए यहाँ पर, लेकिन क्या करें, हम अपनी आदत से मजबूर है ना, हर दूसरे महीने मुंह उठाकर चल देते हैं कहीं पे भी। अब तो हर महीने ही चल देते हैं कहीं पे भी मुंह उठाकर अपना। और यहाँ आई है कितनी सुंदर सी डैम, इसका नाम क्या है, मनेरी डैम आई थिंक, एक मिनट बताती हूँ इसका नाम। यस, इसका नाम है मनेरी डैम, उत्तरकाशी में ही है ये। और इसके ये इतना गंदा पानी फेंक रहा था ना, हमारे मुंह तक आ रहा था इतनी दूर से, तो अभी निकलते क्योंकि अगर रात हो गई तो एंट्री नहीं मिलेगी, 8 बजे एंट्री बंद हो जाती है पहाड़ों के रास्ते पे। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, 8 बजे के बाद आप ऊपर नहीं जा सकते और ना ही ऊपर से नीचे आ सकते हो, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं 8 बजे, इसलिए हमें दिन में ही ऊपर जाना है किसी भी तरह। अभी हमारी एंट्री भी होगी, यहाँ पर हम रुके हैं एंट्री कराने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो उनको यहाँ पर अपनी एंट्री करानी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, तभी उनको ऊपर जाने के लिए परमिशन मिलती है। तो बस अभी हम अपनी एंट्री करा के निकलते हैं और यहाँ से हम सीधा जाएंगे गंगोत्री सबसे हाइट पे। उसके बाद उतरते हुए बताऊंगी मैं कहाँ जा रहे हैं, वो दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। इस व्लॉग में बस हम आपको यही वाला सफ़र दिखाएंगे, गंगोत्री वाला। तो यहाँ गाइस हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री, और अभी हम कुछ खाने के लिए रुके हैं क्योंकि भूख लग रही है। खाना वाना खा लिया है गाइस हमने, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे, अपनी टी शर्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, जो कि हम सब अपना गाड़ी कोई घर बना रखा है सब ने, सब उसी के अंदर जो भी कर रहे हैं, टी शर्ट वी शर्ट चेंज करके तो हम थोड़ी बहुत वीडियो बनाते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हो हमारी रील, यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो शूट करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे अपनी मंजिल के लिए। जी हाँ, यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा -1 टेम्परेचर है, -1। तो प्लीज़ अपने सर्दी के कपड़े अपने साथ लेकर आए जब भी आप पहाड़ों पर घूमने के लिए आए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है -1। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हमने और बस अभी निकलते हैं यहाँ से और ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए वीडियो फ़ोटो अलाउ नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी ना फ़ोटो, जितना मुझसे होगा मैं कर लूँगी, थोड़ा बहुत भी हुआ तो कर लूँगी मैं, लेकिन जितना होगा उतना कर पाऊँगी गाइस, क्योंकि यहाँ से ऊपर इस रोड से ऊपर जाने के बाद आपके फ़ोन बंद हो जाएंगे, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ना ही फ़ोटो खींचना अलाउ है। लेकिन बहुत सुंदर है, यहीं से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना जाने की, बहुत अच्छी। आप लोग ज़रूर ज़रूर घूमने आए यहाँ पर, ज़रूर। अभी बस हम लोग निकलते हैं, सामान उठाते हैं गाड़ी में से और ऊपर निकलते हैं घूमने के लिए। जी हाँ, तो जी गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, ये गंगोत्री है और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो चुपके से मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए बना ली है, बस मेरे को गाली मत देना कोई भी। अभी हम वहाँ से निकल के रूम में आ चुके हैं और अगली सुबह हो चुकी है क्योंकि रात हो गई थी, हमें वहीं पे रात के 10-11 बज गए थे। उसके बाद हम लोगों को एक होटल मिला, वहाँ पर बहुत मुश्किल से रूम मिले। अभी हम यहाँ रुके हुए थे, अभी बस यहाँ से निकलेंगे अपनी दूसरी जगह जाएंगे और आपको वो सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, और ऐसे ही अच्छी अच्छी लोकेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं आपको और अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।